बसमिल करते हैं आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे यहाँ तब्दीली का एक मज़हबी बयानिया पेश किया जाता है उस बयानिए के बुनियादी निकात क्या हैं वो पैदा कैसे होता है और माजी के अंदर और बिलखसूस मज़हबी तबके का स्टेट स्ट्रक्चर के साथ क्या तल्लु था इब्तई नौीय की उस पर गुफगू हुई इस सिलसिला गुफतु आज पाँचवीं नश्स्तें आगे बढ़ाते हैं उसको हम सब हमें यह तो मालूम हो गया कि उनका एक बयानिया है एक नरेटिव है और मैंने ये कोशिश की थी कि खुद उनके जो दसातिर है उनके जो मंशूर है उससे बुनियादी नकत आपकी खिदमत में रखूँ और हमारे यहाँ के बड़े ज़हीन बाहत बड़े डेडिकेटेड नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी अपनी उम्रें इन सियासी और दीनी तहरीकों और इन जद में कपा देते हैं और नतीजा बारामद नहीं होता और लोग इंतज़ार में रहते तो मैं चाहता हूँ कि आपका नुक़ः नज़र उनके सामने आए और मुस्बत अंदाज में खैरखाही के अंदाज़ में उनको बात पहुँचा दी जाए दो बुनियादी निकात हैं जो इन तमाम दसातीर में पेश किए जाते हैं अज्जा में भी जेरे पैसे हैं लेकिन शुरू में उसूल में चाहता हूँ कि ख़ुलासा लोगों के सामने आ जाए वो लोग ये कहते हैं कि भाई जब हम अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं तो अल्लाह की किताब में दो जगहों पर ख़ुद हमारी ज़िम्मेदारी आयत की गई है कि हमने ये काम करना है फिर ये कैसे कहते हैं कि रसोल वसम के पास कोई बात जमात उनके बाद बन नहीं सकती एक आयत पेश करते हैं और उसमें कहते हैं कि शरा मभि नूहन वल और आलै का मवसई नबी इब्राहीम अब मूसा वकीमद्दीन वलफरक़ूफ़ी अल्लाह ताली नेमेदारी आयद की है कि इकामत दीन करना है अब इकामत दीन अगर होनी है तो वो कैसे होगी दीन को कैसे नाफिस किया जाएगा उसके लिए लाजमी तौर पर हमें जमात बनानी है हमें हल्के को मज़बूत करना है हमने अकदार की कुंजियाँ अपने हाथ में लेनी है और फिर उसके बाद अल्लाह की दीन को तख्त तक, तक लेकर आना है अकीमुद्दीन इकामत दीन आपकी अपनी उम्र भी इसी में गुजरी है हम सब एक आम आदमी को बताइए एक मज़हबी नौजवान को बताइए कुरान के हुक्म का फिर आपकी नज़र में मतलब क्या है पहले मैं उस चीज़ की ज़रा मज़ीद वजाहत करूँगा जो पिछली नशस्त में जेर बहस आई थी मजहबी जमात में और सियासी जमात में क्या फ़र्क होता है हम जब कोई मजहबी जमात बनाते हैं तो मज़हब की एक ताबीर करते हैं वो ताबीर कोई शख्स करेगा उसको अगर हमने एक जमात या नज़म की सूरत दे दी है तो ये गोया उम्मत में एक उम्मत बना दी गई है कुरान मजीद में जगह जगह हमें इससे मना किया गया है और ये बताया गया है कि इस उम्मत में कोई तफरीक मजहब की बुनियाद पर नहीं पैदा करनी चाहिए मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोगों में इख्तलाफात होते हैं अहल एल इलम भी होते हैं उससे बाज़ा मदारस फिक्र भी वजूद में आ जाते हैं ये अपनी नौीयत के लिहाज से खालसमी सरगर्मी है यहाँ कोई जमातें या नजम नहीं बनाए जाते एक शख्स का एक नुकतः नज़र है वो उसको बयान करता है उसका इसलाल पेश करता है जिन लोगों को इस उम्मत में वो नुकतः नज़र ज़्यादा बेहतर लगता है वो उसको इख्तियार कर लेते हैं लेकिन वह इसी उम्मत मुसलिमा के अंदर इसी के फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी बसर करते हैं अपनी कोई अलग शनाख्त नहीं बनाते दीन पर अमल करते वक्त एक आम आदमी को ये फ़ैसला करना होता है कि मैं ये नमाज पढ़नी है मुझे रोज़ा रखना है मुझे हज करना है मुझे ज़क़़त देनी है या और दीन के किसी हुक्म पर अमल करना है तो वहाँ मैं किस ताबीर को अख्तियार करूँ उसमें उसको पूरा हक़ है कि अपने इलम के मुताबिक फ़ैसला करे और जिस तबीर को भी ज़्यादा बेहतर समझता है इख्तियार कर ले उनमें वो तबीरत भी हो सकती हैं जो माजी में की गई हैं और वो भी जो इस वक्त की जा रही हैं लेकिन मजहबी बुनियाद पर कोई जमात बनाने की सही करना ये असल मेरी सालत में आप सल असलम की उम्मत में तफरीक पैदा करना है ये किसी हाल में भी नहीं होना चाहिए सियासी जमात किसी जगह अगर इसकी इजाज़त दी गई है कि मुख्तल लोग आगे बढ़ें और एक जमहूरी तरीके से इकदार में आए और जो बेहतर प्रोग्राम पेश करे वो इकतदार संभाल रही मान लिया गया है तो वहाँ नज़म सियासी में अपना किरदार अदा करने का तरीका है जमहूरी माशरों में इब्तः यहीं से होती है अगर अच्छी सियासी जमातें होंगी तो अच्छा सियासी नज़म वजूद में आएगा अच्छी हुकूमतें वजूद में आएंगी इसलिए सियासी जमात बनाइए सियासी जमात बना के लोगों की खिदमत का कोई दाइया आपके अंदर है तो उसके लिए ज़द्द जहद कीजिए इस पर कोई एतराज़ नहीं तो ये दोनों बातों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ तौर पर समझ लेना चाहिए उसके बाद इस आयत की तरफ जिसका आपने हवाला दिया है इस आयत की मौजूदा ज़माने में नहाय गलत तबीर हुई है मौजूदा ज़माने में मौजूदा ज़माने में हुई है इससे पहले मुसलमानों के यहाँ आयत को समझा गया है इसको पढ़ा गया है इस पर हमारे मुफसरीन ने लिखा है इसके मानी क्या है ये सब चीज़ें ज़ेर बहसाई हैं वहाँ कभी किसी के यहाँ कोई शाइबा भी आपको उन तबीरत का नहीं मिलेगा जो इस वक्त पेश की जा रही है इकामत दीन का मतलब वही है जो इकामत सलात का है यानी जब कुरान मजीद में, में आप पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं नमाज के बारे में जो तबीर इख्तियार की गई है वो क्या है नमाज की इकामत करो तो अरबी ज़ुबान में ये इकामत करो का लफ्ज़ जब इस तरह की किसी मानवी चीज़ के लिए आता है उसका मतलब होता है उसका अहतमाम रखो उसको अपनाए रखो उस पर अमल करते रहो उसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाए रखो ये मतलब होता है उसका तो जब हमें कहा जाता है कि अक्म उसला नमाज का अहतमाम करो तो उसके क्या मानी हैं कि हम दुनिया में निकल खड़े होंगे लोगों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए पढ़ने यानी नमाज के बारे में जो हिदायत हमें दी गई है उस पर अमल करना नमाज के बारे में हमें यह हिदायत दी गई है कि हम उसके अवकात का लिहाज रखें इन सला तान किताब मौकूतः उसके अरकान का लिहाज रखें खुशु व खजू के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें उसके जो मतिन अस्कार हैं उनमें कोई कमी ना हो उसके अमाल ठीक तरीके से अंजाम दिए जाएँ अल्लाह तोफ़ी दे तो मस्जिद में जा अगर मस्जिद करीब है नमाज का एहतम करें नमाज की तरफ एक रगबत दिनों के अंदर मौजूद हो हम अपने बच्चों को भी नमाज की तलकिन करें पेश के लोगों को भी बताएँ ये सारी बातें नमाज से मतलब हैं इसके कुछ वो पहलू भी हैं जो मसलन रियासत से मुतल है ये बात तो सबसे बढ़कर मैंने ही वाजे की है और बार बार इस जानब तो दिलाई है कि जुमे और ईदैन की नमाज़ें असल माशरे से मुतलक़ हैं यानी उसका अहतमाम मुसलमानों की पूरी जमात को करना है और मुसलमानों की पूरी जमात की नुमाइंदगी उनकी हुकूमतें करती हैं इसलिए यही सुनत कायम की गई है कि इन नमाज़ों का अहतमाम कुमरानों की तरफ़ से हो इनके खुतबे वो आकर दें ये सारी बातें तो नमाज के बारे में जो बात भी अल्लाह अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दी है जो सुन्नत भी कायम कर दी है उससे मतलब जो हिदायत भी कुरान में बयान हो गई है उसका अहतमाम करना अगर नहीं बयान हुई तो नहीं किया जाएगा यानी इकामत के लफ्ज से कोई नई चीज़ नहीं शामिल हो जाती उसमें आपको पहले ये साबित करना होता है कि नमाज के बारे में ये बातें दीन में हैं अजकार मकर है आमाल तय है पाँच नमाजें पढ़नी हैं उनके लिए इन इन चीज़ों का अहतमाम करना है वजू शर्त है अगर मौका ना हो तो यमुम इस तरह किया जाएगा और ऐसे ही वो चीज़ें जो माशरे से मुतलक हैं वो बयान कर दी गई हैं इन सब चीज़ों का एहतमाम रखना ये इकामत सलाद है पहन ही ये इकामत दीन यानी अल्ला के दिन में जो बात भी कह दी गई है वो अगर मुझसे मुतलक है तो मुझे उस पर अमल पैरा रहना चाहिए अगर बाप की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी करार दी गई है तो बाप बनते मुझे उन सब चीज़ों को इख्तियार कर लेना चाहिए बीवी या शौहर की हैसियत से कोई हिदायत की गई है तो दीन की हिदायत है मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए और अगर मुसलमानों का माशरा है और उस माशरे की बात जिम्मेदारियाँ बयान की गई हैं जैसे सामने की ज़िम्मेदारियाँ एक भाई दुनिया से रुखसत हो गया उसका जनाजा पढ़ना उसके लिए अगर उसके अज्जा भी ना करें तो मुझे आपको भी आगे बढ़ कर तजीज़ तकफीम का बंदोबस्त करना है ये माशरे की जिम्मेदारी बयान कर दी गई इसी तरह कारोबार है ज़िंदगी के मामला हैं मस्किनों गरीबों का ख्याल रखना है ये सब चीज़ें दीन में बयान हुई हैं अगर किसी जगह मुसलमानों की हकूमत कायम है यानी मुसलमानों के पास इकतदार है तो उससे मतलब भी हमारे दीन में बाज अहकाम दे दिए गए मसलन ये कि महासिल का निज़ाम वही होगा अल्लाह ने कायम कर दिया आप अपनी तरफ़ से लोगों पर कोई टैक्स नहीं आयत कर सकते ज़क़़़़़त लेंगे ख़राज लेंगे इन्हीं पर आप हुकूमत का नज़्म चलाएँगे या मिसाल के तौर पर यह बता दिया गया है इसका पाबंद कर दिया गया है कि ईदान और जुमे का अहतमाम रियासत के ज़िम्मेदार लोग करेंगे या ये बताया गया है कि इन मनाबर को इन मम्बरों को अमर बिल्माूफ और नई इन मुनकर का ज़रिया बनाया जाएगा या मिसाल के तौर पर ये हिदायत की गई है कि अगर कहीं ओवान का इरतक होता है तो उसके लिए लड़ाई भी करनी पड़े तो लोगों को जुल्म से निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी अगर हिम्मत है तोफ़ीक है उसके हदूद शरात बयान कर दिए गए हैं बाज़ बाज़राम की सज़ाएँ भी बयान की गई तो इस तरीके से वो चीज़ें भी बिल्कुल तय हैं जो दीन में मुआरे से मुतलक़ हैं या उससे आगे बढ़ कर उनके किसी नज़म से या उनके सियासी इकदार से मुतक़ हैं वो बिल्कुल तयशुदा है चीज़ें हैं तो जिसकी जो हैसीत है उसके मुताबिक उसको उस परमल करना है इसी को इकामत दीन कहते हैं दीन के ये बानी कि ये असल में दुनिया में दीन का गलबा कायम करना है ये दौर हाजिर में लोगों ने इख्तियार किए हैं बिल्कुल ग़लत इख्तियार किए हैं ना लफ्स में इसकी गुंजाइश है सियाक व सबाक में इसकी गुंजाइश है न जुमले की तारीफ़ इसकी इजाज़त देती है ना मुसलमानों के इल्म में कभी ये चीज़ इस तरह से मौजूद थी मैं इस पर किसी वक्त बड़ी तफसल से गुफ्तू करूँगा और इसी सीरीज़ में करूँगा इस वक्त जो एतराज़ा सीरीज़ के नाम से जारी है उसमें उस सारे इस्तलाल का भी जायज़ा ले कर बताऊँगा जो हमारे ममदू मखदूम मौलाना सैद जबरूल साहेब मदूदी ने अपनी तावीर या तवील के हक़ में पेश किया है और उसमें क्या गलती है किस जगह से बात को समझने में सही रवैया इख्तियार नहीं किया गया वो सब वाजे हो जाएगा इस वक्त खुलासा यही है किमत दीन के जो मानी इससे पहले मुसलमानों के सब रहे हैं वही दुरुस्त है ये आपको मालूम है कि अगर वो ग़लत होते तो मैं इसको इस्तलाल में नहीं पेश किया करता मौलाना सैयद अब साहब मौदूदी ने जो तबीर की है अगर तो उसको कबूल करती और ज़ुबान बयान के इस्तलाल में वही मानी होते तो मैं इसकी परवाह ना करता लेकिन वाक्य यही है ये जो मानी लिए गए हैं वो बिल्कुल ग़लत है जो मानी इससे पहले हमारे हमारे मुफस्सरीन, हमारे फका लेते रहे हैं वही सही हैं और मैंने खुलासे के तौर पर बयान कर दिए हैं यानी दीन का अहतमाम करना दीन को अपनी ज़िंदगी बनाना दीन को इख्तियार कर लेना उस पर अमल पैरा हो जाना ये मतलब है उसका जैसे नमाज है अब ये देखना पड़ेगा कि दीन में क्या बातें कही गई हैं तो दीन में जो बात भी कही गई है, है वो मुझसे मुतलक है तो मुझे उस पे अमल करना है वो आपसे मुतलक है तो आपको उस अमल करना है वो माशरे से मुतलक है तो माशरे को उस पर अमल करना है अब रह गई ये बात कि अगर मेरा कोई भाई मेरा माशरा मेरे हुक्मरान उस पर अमल पैरा नहीं है यानी अमल पैरा तो उनको होना है एक आमत दीन में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कही अगर वो अमल पैरा नहीं है तो मुझे या आपको क्या करना है उसके लिए हमारे दीन में जो तबीर है वो दावत है हमें अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है अपने भाइयों को तोज्जो दिलानी है वो फ़र्द को भी दिलानी है वो मुशरे को भी दिलानी है माशरे को तोज्जो दिलाने के लिए या दावत देने के लिए अल्लाह ताला ने मेरे और आपके इश्हाद पर मामला नहीं छोड़ा उसको लफ्ज़ों में बयान कर दिया है पुरान मजीद में कि मुसलमानों के अंदर से कुछ लोग दीन का इल्म हासिल करें कुछ लोग लफाजी यही हैं माकानलमोमिनयरकाफ़ा वह दिन में तफक्को पैदा करें यानी दीन का इल्म जो ज़रूरी इल्म है वो तो हर आदमी को हासिल करना है दीन के आलिम बनने के लिए जो इल्म चाहिए होता है वो कुछ लोग हासिल करें और सच्ची दीन की बसीरत पैदा करें उसके अलफाज लें तफक् हूँ फिर दीन वाले युन ज़रु कमा हम फिर अपनी कौम को तोज् दिलाएँ यानी कौम के हुक्मानों ने कोई गलती की है उनको तवज्जो दिलाएं आम लोग कर रहे हैं उनको तवज्जो दिलाएं तो दीन में दावत है जिससे इस्लाह की जाती है यहाँ दीन ख़त्म हो जाता है इकामत दीन ही की दावत दी जाएगी लेकिन इकामत दीन का मतलब क्या है लोगों दीन को इख्तियार करो दीन पर अमल पैरा हो जाओ तुमने जिस दीन को कबूल किया है उसका हक अदा करो उसको अपनी ज़िंदगी बनाओ ये मतलब है इसका इससे ज़ायद कोई चीज़ इसके अल्फ़ाज़ में सिरे से मौजूद नहीं है और ना उसको काबिल अल्तफात समझना चाहिए पुख्ता हम मक्तवाज़ाम सब सबकीमत दीन को फरीजा करार देना इस ताबीर को इख्तियार करने से दीन का हर, हर हुकुम उसका निफ़ाज़ लाजिम नहीं हो सकता दीन में कौन सा हुकुम, कब किस को क्यों कैसे दिया गया है वो हर हर हु बताएगा अच्छा सब इसमें जो तफसीली आपका इस्तदाल है वो आपने बरसों पहले अपनी किताब में लिखा भी है तावल की गलती के ज़रुनान उसमें अरबियत के लिहाज से कामत का मफ़ूम क्या होता है कैसे उम्मत की माजी की लिए? रिवायत ने इसको देखा ख़ुद वो लोग जिससे कामत दिन का मफ़ोम बरामद कर रहे हैं ख़ुद इसी लफ्ज़ एकामत को कुरानी मजीद में बाकी जगहों पर बिल्कुल उसी मफ़ो में लेते हैं इसमें हम सब बयान कर रहे हैं मैंने गब पेश करते रहते हम मख्त जगहों पर यह नुक़ः नज़र दो एतराज़ा इस पर किए गए उसी तरह से मैं चाहता हूँ खुलासे की तरह आप उसका जवाब भी दे दें एक तो ये कहा गया कि ये राम सब हमें आकर जब भी बताते हैं कि ये पूरी उम्मत ने इसको जिस तरह समझा है उसी तरह से मैं भी इसको समझता हूँ तो हम जब उनको बाद में कहते हैं जी पूरी उम्मत ने तो रजम को ऐसे समझा है पूरी उम्मत ने तो फ़लाइस को समझाए तो वहाँ तो वो उम्मत की इतनी कदर नहीं करते और हमें जो है वो आके उम्मत का दर्ज दे रहे होते हैं मैंने तो ये बताया है कि अरबियत की रू से जुबान के कवायद की रू से मुसलमानों का जो कुछ इससे पहले उसकी राय सही है इसका जवाब मैंने अभी दे दिया है इस्तला बता दिया है जी यानी इस पर मबनी है तोज्जो ये दिलाई है लोगों को कि इसमें ज़रा पुराने लोगों को भी देख लें उन्होंने इसको बिल्कुल दुरुस्त समझा है इसकी सही ताबीर की है इसमें कोई गलती नहीं हुई वो तो गलती होगी तो इख्तलाफ़ करेंगे मम्म से तो यहाँ नहीं हुई अगर आज किसी आने वाले शख्स ने वह हमारा ममदू हो मखदूम हो या आप जानते हैं कि मैं तो मौलाना सैद अब्रा साब मी के साथ बेअपना मोहब्बत रखता हूँ और हर लिहाज से उनको बिल्कुल अपने बाप की जगह पर समझता हूँ उनकी बड़ी खिदमत है, बड़ी गैर मामूली खिदमत है। उनकी तफसीर तफही कुरान से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है उनकी रसायलो मसायल को क्लासिक की हैसियत हासिल है उनकी खिदमत सरांखों पर लेकिन इस मामले में उनकी ताबीर बिल्कुल गलत है बेबुनियाद है कोई हैसियत नहीं ठीक अच्छा दूसरा नुकाम से भी पेश किया जाता है कि जो जबीर आप पेश कर रहे हैं उसी को मैनुअ ले लें पूरी तरीके से मान लें जो आपने फरमाया कि दीन का हर हर हुक्म बताएगा कि उस पर क्या करना है वो किस से मुतलक है रियासत से मुतलक़ है लोगों पर नफाज होना है वो हदूद है वह नमाज है ज़क़़त है सब कुछ ठीक है लेकिन कहा ही जाता है कि जी अगर मैंने खुद भी दीन अपनाना है अगर इसमें मुझे बतौर फ़र्द कहा गया कि तुम दीन पर अमल पैरा हो जाओ तो मौजूदा स्टेट स्ट्रक्चर मौजूदा समाज आलमी साम्राज्य सरमादारान निज़ाम फिर तावत की ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये सब का सब मिल के मुझे मेरे दीन पर अमल दरामद भी तो नहीं करने देता मुझे दीन कहता है भाई सूद ना खाओ मैं तो बाहर निकलता हूँ तो मेरी तो गाड़ी का पहिया नहीं चलता जब तक बैंक से कर्जा ना लूँ मुझे कहा जाता है आप अपने फहाशी ना फैलाओ मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने जो है वो पूरा का पूरा मीडिया की इंडस्ट्री होती है तो गर्ज़ ये कि अमल दरामद ख़ुद भी मैं नहीं कर सकता जब तक मैं निज़ाम को नहीं बदलूँगा जरूर बदलें लेकिन उसका तरीका क्या है यानी उसको आप दीन की गलत ताबीर करके बदलेंगे उसको कुरान मजीद के मुद्दा को तहरीफ का निशाना बना के बदलेंगे सही तरीक़ा इख्तियार करें मैंने अर्ज़ कर दिया है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने उनचास पचास मुल्कों में इकतदार दे दिया ये वाक़ दुनिया की तारीख में कम हुआ है इससे पहले दुनिया पर मगरबी कौमों का गलबा कायम हो गया था पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो गई थी यह आपका पूरा आलम इस्लाम पहली दूसरी जंगीन में मफतू हुआ है सल्तनत उस्मानिया ने बाकायदा शिकस्त खाई उसके बाद मगरबी ताकतों ने अपना एक निज़ाम दुनिया में बरपा किया और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि अब मुख्तल मुल्कों या कौमों पर बर रास्त हकूमत मौजों नहीं रही उसके लिए अकवा मुतहद का एक नजम बनाया गया उस नजम में वही पाँच बड़ी ताकतें जिन्होंने दुनिया फ़तह कर ली थी उन्होंने अपनी मफतूा दुनिया के लिए एक वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दे दिया है उन्हीं को वहाँ हक के इसदात भी हासिल है उसमें भी अल्लाह ताली नेत फरमाई कि वह इस नतीजे पर ख़ुद पहुँच गए कि अब बर रास्त हकूमत नहीं करनी तो एक दायरे में बहुत सी हुकूमतें मुसलमानों को कायम करने का मौका मिल गया इस वक्त मैंने उनचास पचास के करीब हुकूमतें कायम हैं जहाँ मुसलमान खुद हुकूमत कर रहे हैं तो इन तमाम जगहों पर मुसलमान कौमों की हुकूमत आखिर कुछ लोगों के हाथ में होगी उनको आप नसीहत करें उनको ये सब बातें बताएं उनको इन जिम्मेदारियों की तरफ मतवे करें यहाँ तक तो अल्लाह का दीन भी आपसे यही तकादा करता है और मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसमें आम आदमी अपने दायरे में तोज्जो दिलाएगा और उलमा को तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर कहा है कि अगर उनको दीन की सच्ची बसीरत हासिल है तो अपनी कौम को ख़बरदार करें ये सारी बातें जितनी आपने बताई हैं इनको मौजू बनाकर लोगों से कहा जाए कि वो अच्छे हालात पैदा करें अपनी कौमों में अच्छा नज्म पैदा करें अपनी कौमों को दुनिया में सरफराज करने की जदोजहद करें सब बातें कहिए और इसके लिए दावत दें लोगों के कुलूब को बदलें उनकी तालीम का बंदोबस्त करें तरबियत का बंदोबस्त करें उनके इश्कालत के जवाब दें अगर उनको कोई एतराजात हैं तो उन उनराजात को रफ़ा करने की सही करें ये जद्दोजहद का वो पहलू है जो दीन भी चाहता है कि हो रह गई ये बात कि आपने खुद इकतदार पर कब्ज़ा करना है तो यह आप वहीं कर रहे हैं जहाँ पर सियासी जमातें बनाने और जद्द जहद करने की इजाज़त है इस वक्त ज़रा एक निगाह डाल के देखिए मुसलमान मुल्कों में क्या जज़ीरा नमाय अरब की सात आठ हुकूमतों में आप इस तरह की कोई जमात बना के ये इनकलाब लाने की बात भी कर सकते हैं ज़रा उन जगहों पर भी देख लीजिए जहाँ पर कुछ आमिराना नजम कायम है कर सकते हैं ये बात तो क्या हुआ उन्हीं मगरबी कौमों ने जमहूरीत का तस्वुर दिया उसके तहत आपके यहाँ वो जदीद पढ़ा लिखा तबका पैदा हो गया जिसने जहाँ आज़ादी हासिल की है वहाँ वो जमहूरी इकदार के मुताबिक हुकूमत करना चाहता है बड़ी मुश्किल से अगर आप गौर करके देखें तो तीन चार मुल्कों में हम मुसलमान कुछ नीम जमहूरी नज़म बनाने में कामयाब हुए हैं इस वक्त एक निगाह डाल के देख लीजिए सियासी जमातें बनाकर जद्द जहद मलेशिया में की जा सकती हैं इंडोनेशिया में की जा सकती एक दायरे में तुर्की में भी की जा सकती है चंद जगह हैं जहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में की जा सकती है लेकिन क्या फिलवाके यहाँ पर हकीकी जमहूरी नज़म कायम हो गए हैं दूर, दूर दूर भी नहीं, तो नहीं तजिया करके बताया जा सकता है कि किस तरह का एक नीम जमहूरी सा निज़ाम है जिसमें आमरीत की आमेज़श भी है कहीं अफवाज अपना किरदार अदा कर रही हैं कहीं कोई दूसरी चीज़ें उसके पीछे मौजूद है इस तरह की सूरत हाल में जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ तो आप ज़रूर जद्दजहतें लेकिन जद्दोजहद करने का तरीक़ा क्या होगा वही जो मौलाना सैद वरल साहिब मौदूदी ने फिर इख्तियार कर लिया था और मैं इसको उनकी बड़ी कामयाबी समझता हूँ कि एक इनकलाबी तरीक़े को छोड़ कर उन्होंने जमहूरी तरीक़े की तरफ रज़ू कर लिया कर लिया था उन्होंने सियासी जमात की सूरत इख्तियार कर ली सियासी जमात बना के जद्दुहद करें इससे कौन रोकता है आपको लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये एक इनकलाबी जमात है और तो आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ दसातीर मौजूद है वहाँ ये असल में बगावत का ऐलान है यानी इस पर शुक्र कीजिए लोगों को आपकी ताबीरत समझ में नहीं आती वरना बादशाह थे इसको कबूल करते हैं इस तरह की दावत लेके आप ईरान में उठ सकते हैं अभी ज़रा जाइए और अफ़ग़ानिस्तान में ये काम करके दिखाइए वहाँ ज़रा कोई एक सियासी जमात कोई इंकलाबी जमात बना के दिखाइए तो इसलिए कि क्या बातें रुकी जा रही हैं यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके कि आलमी सतह पर मुसलमान शिकस्त का गए दुनिया पर दूसरी कौमों का गलबा कायम हो गया और इतने गैर मामूली तरीके से ये गलबा कायम हुआ है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें यानी मगलूब मफतू कौम की हैसियत से तौर पर कौमें ख़त्म हो जाया करती हैं लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ कि दुनिया में ये तब्दीली आ गई दो बड़ी जंगों ने सूरत हाल बिल्कुल बदल कर रख दी और आपके लिए मुख्तफ़ मुल्कों में कुछ नीम ख़ुद मुख्तारी के हालात पैदा हो गए उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी कॉम को दावत दें हालात अच्छे पैदा करने की सही करें तो नुकतः हुआ तीन छोटे छोटे सवाल आपकी खदमत तो खात्मे की तरफ़ बढ़ते हैं आपने फ़रमाया आज़ादी है इतने मुल्कों के अंदर तो आगे से कहा जाता है भी कौन सी आज़ादी है जो हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं वो तो इन्हीं मगरबीतों के मैंने नीम ख़ुद मुख्तारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने आज़ादी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया बस जितनी है कोशिश करें कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसको मज़ीद आगे बढ़ाएँ लेकिन वो आज़ादी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो ताकत का तोज़ुन जब तब्दील होगा उस वक्त हासिल होगी इस वक्त जितनी मिली हुई है इस पर शुक्र अदा करें अच्छा कहा जाता है हम सब ये जो जदोजहद की आप बात करते हैं इनको दावत दो परानों को वो कहाँ सुनेंगे वो कहते हैं आप रिवर्स इंजीनियरिंग के असूल पर देखें जहाँ पर हमने तलवार उठाई वहाँ पर हम तब्दीली लेकर आए ये अफगानिस्तान है, है वहाँ पर भी इसी तरह के बादशाह बैठे हुए थे और देखिए हम इनकलाब लेकर आए जल्लाह का दीन वहाँ तख तक पहुँच चुका है ये ईरान है वहाँ भी लोग उठे इनकलाब लेकर आए पैसे वेजिटेशन हुई उसके बाद निकला और उन्होंने कब्जा कर लिया तो वो उनका तरीक़ाकार तो कामयाब है अच्छी बात है मैंने तो ये यार जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं जरूर करें सियासी करने से तो मैं नहीं रोक रहा वहाँ आप जो कुछ करेंगे उसको देखा जाएगा कि उसमें कोई हदूद की ख़िलाफ़वर्जी तो नहीं हो रही उसमें आपने खुद दीन के हदूद तो पामाल नहीं कर दिए दी दीन के नाम पर तो तालिबान ने जो कुछ किया है उसमें जो चीज़ दीन के ख़िलाफ़ है उस पर हम तनकीद करते रहते हैं लेकिन ये बात कि अफ़गानिस्तान में कोई गिरोह अपनी हुकूमत कायम करने के लिए उठा है या ईरान में उठा है या सऊदी अरब में उठा है अपनी ज़ात में कोई ममनू चीज़ नहीं है तो सीधी बात करें ना इसको आप इन असलाहों में क्यों बयान करते हैं आप इन मुल्कों में इकतदार चाहते हैं अच्छी बात है हर शख्स का हक हासिल है मैं तो सियासी जमातें बनाने या इकतदार की जद्दुहद करने को कोई ममनू चीज़ नहीं समझता करें जहाँ भी करेंगे वहाँ कुछ हदूद होंगे ना वो हदूद वो भी हैं जो दीन ने लगा दिए हैं वो हदूद वो भी होंगे जो वहाँ का सियासी नज़म लगाएगा अभी मैंने ये सवाल किया है कि यही नारा ज़रा सऊदी अरब में लगा के दिखाइए ज़रा खलीज के मुल्कों में लगा के दिखाइए જરા શામ મે લગા કે દિખાયા હા કહેતે જરૂરત નહી મશરિયત પહેલે સે નાઈસ હે સૂર્ય રબ તો ફિર આપકે શરીયત કા તસવુર જરે બૈસા ન હો ચાઈએ યની બાદશાહી દેના ચાહતે હે વેસે ય अपील કરતે હે કે મુસલમાન મુલક બાદશાહ કાયમ કરે ઉસી શરીયત આ જાયે યની ક્યા તસવુરાત હે જહાંપે આપકે લિયે મોકા હે વહા સાયાસી તદ્ધ્રોજ ઉસ સાયાસી તદ્ધ્રોજ કો સાયાસી તદ્ધ્રોજ કહેના સીધી બાત કરે કે હમ યે સમજેતે હે કે મુસલમાનો કો 49 50 મુલકો મે હકુમત حاصل હે वहाँ पर सियासी जद्दहद की आज़ादी होनी चाहिए और हम ये समझते हैं कि हम वो सियासी जद्दोजहद करके बेहतर निज़ाम ला सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम है ये हमारा मंशूर है इस पर कौन एतराज़ करता है एतराज़ तो जरा बहस ही नहीं इसको आपने इकामत दीन की अतलाह में ढालने की सही की है बताया जा रहा है तो बिल्कुल बेबुनियाद है उसकी कोई हकीकत नहीं है और इसके बाद ये बात बताई जा रही है कि सियासी जद्दहद जब आप करेंगे तो उसको किस तरह करना है उसमें क्या चीज़ बराबर हो सकती है कहाँ उसके कितने इम्कान हैं ये फिर तदाबीर का मौजू है इसको आज राय करम दीन बना के लोगों की ज़िंदगी ख़राब ना करें अच्छा हम सब आखिरी सवाल क्या सियासी तो जहद कुछ दीनी मकासद के लिए भी हो सकती है मसलन ये कि जी मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क का हुमरान दीन पर अमल दरामद करें अल्लाह की शरीत को तख तक, तक लेकर आए तो अगर हो सकती है तो फिर तो आप फरमा रहे थे कि दीनी मजहबी जमात बनी नहीं सकती फिर तो सियासी जमात मज़हबी नरेटिव पर बन जाएगी ना सियासी जमात तो इसलिए बनाई जा रही है कि हुक्मरानी का हमें ज़्यादा हक है हम बेहतर हुक्मरानी दे सकते हैं हक समझते हैं कोई सियासी जमात भी जब बनती है तो इसीलिए बनती है कि हमने एक प्रोग्राम ऐसा पेश किया है जो ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम है यहाँ तो कोई मज़हबी जमात आप नहीं बना रहे लेकिन सियासी जमात मुसलमान बनाएंगे तो ये भी बताएंगे कि मजहब के अगर कोई दीन के या मज़हब के अहकाम हैं हकूमत के बारे में तो हम उनके बारे में ये रवैया रखते हैं ज़रूर बताएँ इसमें क्या माने है? मैंने तो अभी आपको बताया है कि दीन में ये ये चीज़ें हुक्मरानों से मतलब कही गई हैं ये दावत देने वाला दावत के उसलूब में बताएगा कोई सियासी जमात बनेगी तो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेगी इस पर किसको एतराज़ है कोई को वाजह हो गया और ये जो दावत देने का काम है ये तो की जिम्मेदारी है ना तो अगर लमा नेमेदारी देनी है हुक्मरानों को तो फिर सियासी जमात को रिटवे बनाने की जरूरत बाकी रह जाती है ये तदबीर के मसाइल हुए इस पर लोग गौर करें देखें लेकिन उसूल में कोई एतराज़ नहीं कोई सियासी जमात आप बनाते हैं तो आप कहते हैं कि हम तो इश्तराकीत को लोगों के लिए बहुत मौजू समझते हैं बनाई है लोगों ने हमारे मुल्क में मौजूद है इस तरह की जमातें आलम अरब में बनी हैं ऐसे ही एक आदमी ये कहता है कि हमारे दीन की तालीमात में ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत अच्छा निज़ाम बना सकते हैं और मुल्क को कौम को हम तरक्की तक ले जा सकते हैं अपना प्रोग्राम पेश करें सियासी जमात की हैसियत से मैदान में आए जद करें उसके लिए इस सारे इस्तदलाल की इन इंकलाबी नारों की ज़रूरत क्यों पड़ गई है और अगर आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं या आप जहाद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि आपने बयान फरमा दिया लोगों से झूठ नहीं बोले ना सीधी बात करें ये करना है हमने इस तरीके से हम थोड़ी देर में तलवार उठाएंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी आप पर मुसलत कर देंगे तो मर्ज़ी मुसलत करने के मामले में तो फिर दीन जर बहस आ जाएगा ना वहाँ दीन इस पहलू से ज़ेर बहस आएगा कि आपको किसी मुसलमानों की कौम या ज़मात पर अपनी मर्ज़ी मुसलत करने का हक़ नहीं है तालिबान पर दो ही पहलुओं से मैंने हमेशा तनकीद की है ये अफ़गानिस्तान के अवाम का हक़ है कि वह फैसला करें कि उनका हुक्मरान किस को होना है ये बात दीन में बयान कर दी गई है यहाँ आपने जो जद्दोजहद की है या जो अपने लिए हक मांगा है वो दीन के हदूद से तजावज़ करके मांगा है दूसरी तनकीद ये की है कि लोगों की शख्सी ज़िंदगी पर मुदाखलत का हक हाँ दीन ने आपको नहीं दिया दीन में वो चीज़ें जो हकूमत से मुतलक हैं वो पाँच हैं वो तय हैं उनसे आगे कोई बात आप दीन के नाम पर कानून की सतह पर नहीं कर सकते जो कहना है कहिए दलील दीजिए मस्जिद के मेंबर पर बयान कीजिए तल्कन कीजिए इससे आगे आपका तो कोई हक़ नहीं है तो जब आप वो करेंगे तो फिर इस पहलू से बताया जाएगा कि क्या दीन में मतलूब है क्या जायज़ है क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो कोई सियासी जमात मिसाल के तौर पर बनाई जाए और वो लोग ये कहें कि हम तो इश्तराकी नज़ाम लाने के लिए इतने लोगों को कत्ल करने का फ़ैसला कर रहे हैं आपके ख्याल में फिर उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा कि वो सियासत में ये काम कर लें तो के वाजाम साहब आम तौर पर जो कहा जाता है कि दीन पर अमल दरामद नहीं हो सकता अब तक निज़ाम को नहीं बदलेंगे फक्को कुल निज़ाम की तबीर भी अख्तियार की जाती है कि पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है इसी बहस को आगे बढ़ाएँगे और दीन के वो मुतालबात जो निज़ाम से मुतलक़ हैं क्या निज़ाम को बदले बग़ैर महज दावत से उन पर अमल दरामद करवाया जा सकता है इसको भी जे बहस लाएँगे वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है मजहबी तब्दीली का बयानियाँ सिलसिला गुफ्तों की पाँचवीं नशस्ती दोबारा हाजिर खदमत होंगे एक ऐलान आखिर में मैं ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे अजीज़ गांधी साहब के हम जुल्फ थे उनका इंतकाल हुआ है मैं गांधी साहब से दरख्वा करता हूँ बाकी दुनिया में सुनने वालों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वह उनके लिए दुआ करें हम सब आपको हमारे बड़े अज़ीज़ भाई थे खुद मुझ पर झातीी तौर पर उनके बड़े एहसान हैं हमेशा उनका रवैया बहुत खिदमत करा हमारे बुजुर्ग भाई थे पिछले चंद माह से बीमार थे रुखसत हो गए इन्ना ला लहरा

हमला शबाद सबकी मफ़र फरमाई वक्त यहाँ पर खत्म होता है दोबारा हजर खदमत होंगे अब तक आपकी बहुत